ओम शांति, बोलिए ओम शांति। तो जब तक कि हम अपने इस अमूल्य ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक अपना मूल्य बढ़ा नहीं सकेंगे। अपनी कीमत अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या समझना पड़ेगा, मैं आत्मा कौन हूँ, हीरा हूँ। सबसे कीमती क्या होता है, हीरा होता है ना, वो भी बेदाग हीरा। तो अपनी क्वालिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। वो बढ़ाने एक दिन के ज्ञान से नहीं होगा, ये हमारी आत्मा का भोजन है जो आज मिल रहा है। शरीर का भोजन तो हम 3 टाइम दे देते हैं, डिमांड है, आत्मा डिमांड कर रही है, लेकिन ये भोजन देने वाला कौन है, इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान हम निमित्त बहनों को जगह जगह भेज रहा है। जो मेरे बच्चों को डिमांड है वो आप सब जा करके दे करके आओ। शांति की डिमांड है ना, खुशी की डिमांड है ना, चाहिए ना सबको, सम्मान चाहिए ना, तो उसका वे बता के आओ। जब वो रास्ता पता चल जाएगा और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको वो चीजें क्या होने लगेंगी, प्राप्त होने लग जाएंगी। तो उस पर हमें क्या करनी पड़ेगी, पर्थ हटानी पड़ेगी, जो मिट्टी और धूल पड़ी है ना, आत्मा में जो चमक खत्म हो गई है। अभी आत्मा की चमक कितनी डिम 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 डिम, जैसे वो कौन सा बल्ब होता है, 0 पावर का बल्ब। तो हमारा भी जो पावर है ना, वो क्या हो रही है, लेस, 0 पावर, टिमटिमा रहा, दिखा रहा, आप चार्ज करो। ये गुण, ये शक्तियां, ये प्योरिटी, जितनी ऊंच धारणा है, ये कैसे आएंगी, कैसे बनेंगी, उसके लिए मुझ आत्मा हीरा को परमात्मा हीरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, पड़ेगा, करना है, नहीं चलेगा। अगर अपनी वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है तो, घटाना है तो कोई इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो अपने आप। हाँ, किसी से भिड़ जाओ, हाँ, किसी को अपने अवगुण दिखा दो, किसी को धोखा दे दो, किसी को डाउन कर दो, तो अपने आप वैल्यू तो घटती जाएगी। वो जो कर रहे हैं वो तो उससे क्या है, घटती जाएगी ना। अगर बढ़ानी है तो उसके लिए प्रोसेस है। परमात्मा पिता से हमें अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, था संबंध तो मात पिता हम, बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो आज आप लोग सोच लो, आज परमात्मा पिता की हमारे ऊपर बृहत हस्त, उसकी बेहद की कृपा है। ये समय जरूर दे रहे हो, लेकिन जो आज ये समय दे रहे हो, ये समय आपकी तकदीर में ऐड हो गया। एक घड़ी आधी घड़ी, बाकी सारा समय तो हमने कहां कहां नहीं दिया, कितना व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों में सारा समय क्या किया, गवाया। अभी अगर थोड़ा समय दे करके भी, ध्यान से सुन करके भी, परमात्मा से संबंध जोड़ करके भी, अगर हम अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा क्या करें, बना लें, और इसकी परख किसको होती है, हीरे की परख किसको होती है, जौहरी को होती है, और किसी को नहीं होती है।